सो हेलो एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आप देख रहे हैं अब इलेक्ट्रिकल। दोस्तों आज मैं आपको रिवाइंडिंग करके दिखाने वाला हूं 3 HP सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। दोस्तों इसमें मैं रनिंग स्टार्टिंग दोनों ही मैं इसमें वाइंडिंग आपको करके दिखाऊंगा, प्लस इसके रनिंग और स्टार्टिंग के कनेक्शन किस तरीके से हमें वाइंडिंग वाले कनेक्शन कैसे करना होगा ये चीज़ मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। और इसमें जो हमें इसकी फिटिंग कैसे करनी होगी, क्लच इसके साथ में कैसे कनेक्ट करना होता है, बाहर कनेक्शन हमें जो करने होंगे, यानी कि दो कैपेसिटर के साथ में हम यूज़ करेंगे रनिंग और प्लस स्टार्टिंग वाला कैपेसिटर, दो उसके भी कनेक्शन मैं आपको इसमें करके दिखाने वाला हूँ। प्लस इसमें मैं आपको 220 वोल्ट एसी से इसको चेक करके दिखाने वाला हूँ कि रनिंग कैपेसिटर का क्या काम होता है, रनिंग कैपेसिटर से क्या बेनिफिट हमें मिलता है, तो ये चीज़ मैं आपको इसमें करके दिखाने वाला हूँ। चलिए वीडियो का हम शुरू करते हैं। दोस्तों सिंगल फेस इंडक्शन मोटर ये बहुत ज़्यादा जली हुई है, इसके कॉपर को काट करके बाहर निकालना होगा, इसके बाद इसकी रिवाइंडिंग करेंगे। चलिए तो इसके कॉपर को कट मैंने कर दिया है और अब इसके जो है स्लॉट को हमें साफ़ करना होगा। तो जैसे एक स्लॉट में साफ़ कर रहा हूँ वैसे ही सारी स्लॉट हमें साफ़ करनी होंगी, तो कुछ क्लियर हो जाएंगी इस तरीके से। और क्लियर होने के बाद फाइनली ये कुछ ऐसे दिखने वाली है। इनमें अच्छे से हमें सीट का पेपर लगाना होगा, एक ग्लास पेपर है एक नोमैक्स पेपर है, तो इन्हें डबल करके मैं इसको लगाने वाला हूँ, ग्लास पेपर यानी कि नोमैक्स पेपर के नीचे करके। तो कंप्लीट ऐसे लगाने होंगे हमें 36 पेपर, और ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमें इसमें वायर लेनी होगी, तो इसमें हमें 3 वायर लेनी है 19 नंबर की, जो हमें 13 तार से वाइंडिंग। इसका जो फर्मा रहेगा वो 4 इंच 6 सूत पर फर्मा, और इसकी कॉयल बनाना शुरू कर देते हैं। तो कॉयल में बताया तो आपसे पिच 5, 7, 9 है, तो पिच 5 पे जो कॉयल बनेगी इसमें टन डालेंगे 13, यानी कि 13 टन इसमें हम डालकर कंप्लीट करेंगे। और दूसरी सेकंड वाली कॉयल बनाएंगे तो दोस्तों सेकंड वाली कॉयल पिच 1 से 7 पर 18 टन हमें डालने होंगे। अब तीसरी वाली कॉयल जो हमें बनानी है तो उसमें जो है 19 टन डालने होंगे, यानी कि पिच 1 से 9 वाली पर। तो यहाँ पर सेट कंप्लीट हो चुका है, इसे फर्मे से एक साइड कर लेते हैं और फिर उसके बाद इसका वेट चेक करते हैं। तो दोस्तों वेट आ रहा है इसका है 546 ग्राम। ऐसे ही 4 सेट बनाने होंगे। 4 सेट कंप्लीट होने के बाद अब एक एक करके सेट डालने होंगे। पहला सेट का जो है छोटे वाली कॉयल का सिर को सीधा कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, और करने के बाद इसको यहीं पर फोल्ड कर लेता हूँ पीछे की साइड। एक स्लॉट सेलेक्ट करिए, अब ये इसमें डल चुकी है। अब दूसरी साइड इसकी डालनी होगी, तो बीच में 3 स्लॉट खाली छोड़ करके 34 स्लॉट में से डालना है। तो मैं इसे 34 स्लॉट में डाल रहा हूँ दोस्तों। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमें 2-2, 3-3 तार करके इसमें डालने पड़ रहे हैं, काफ़ी टाइट है, गेज मोटा है। तो ये कंप्लीट हो चुकी है कॉयल, बीच में 3 स्लॉट खाली है। इसे थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ताकि ऊपर से जो हमें 2 कॉयल और डालनी है पिच 7 और 9 वाली वो आसानी से डल जाए। तो इसमें काफ़ी बड़े साइज़ का पेपर इसमें मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है डबल होने वाली है ये वाली कॉयल, इस कॉयल के ऊपर स्टार्टिंग की कॉयल आएगी। तो दोस्तों इसमें जो है अब सेकंड वाली कॉयल को भी हमने ऐसे ही डालना होगा जैसे हमने फर्स्ट वाली डाली है, 2-2, 4-4 चक्कर करके डालनी होगी और फिर ऊपर से सीट का पेपर लगा देना है। ऐसे ही सेकंड वाला इसका दूसरा वाला सिरा डालना होगा। दूसरे सिरे में भी यही प्रोसेस सेम रहेगा, क्योंकि स्लॉट बारीक है और गेज मोटा है, तो 2-2, 4-4 चक्कर करके। अब तीसरी वाली कॉयल को हमें इसमें इंस्टॉल करना होगा। तो तीसरी कॉयल को यहाँ वायर को हमने सीधा कर लिया है, सीधा करने के बाद ये वाली वायर हमारी साइड में आ चुकी है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी वही सेम प्रोसेस रहेगा, जो बड़ी कॉयल का सिरा है वो अपनी साइड आ चुका था, अब ऐसे ही सेम प्रोसेस छोटी वाली कॉयल में करना है। तो यहाँ पर हमने 2 स्लॉट खाली छोड़ देनी है और तीसरे स्लॉट में इसको डाल देना है, क्योंकि 2 स्लॉट खाली हमने इसलिए छोड़ी क्योंकि इसमें बड़ी जो कॉयल है वो आएगी। तो अब तीसरा सेट हम इसमें डालेंगे तो सेम प्रोसेस वही रहेगा जो हमने पहले वाले में किया है।
तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमने सारे पेपर लगा करके रेडी कर दी है और अब इसमें स्टार्टिंग इंस्टॉल करेंगे। तो स्टार्टिंग जैसे कि मैंने बताया था आपसे कि छोटी वाले कॉल जब बड़ा सीरा तो पीछे 6, 8, 10 ऐसे करके हमें स्टार्टिंग डालनी होगी। तो स्टार्टिंग का जो एक सेट मैं आपको बना के दिखाऊंगा ये 3 कॉल्स का होगा और इसमें 2 सेट 3 कॉल्स का रहेंगे और 2 सेट 2 कॉइल के रहेंगे। तो दोस्तों इस समय इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि 3 कॉइल का सेट कंप्लीट हो चुका है। इसका 247 ग्राम आ रहा है। तो ऐसे ही हमें 4 सेट लेने होंगे जिनसे 2 कॉइल के 2 सेट होंगे, 3 कॉइल के 2 सेट होंगे। तो मैं पहले 2 कॉइल का सेट इसमें मैं डालूंगा और 2 कॉइल का सेट जो है जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपसे कि ये रनिंग वाली कॉइल्स की छोटी वाली कॉइल्स के ऊपर आएगा। तो दोनों सेट की छोटी छोटी कॉइल के ऊपर ये आ चुका है। तो आप काफ़ी मतलब सही से दिख रहा है इसके अंदर और उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। अब सेकंड वाली कॉइल इसमें हमने इंस्टॉल कर दी है। अब सेकंड सेट इंस्टॉल करना होगा तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है, कुछ भी हमें इसमें चेंज नहीं करना होगा। और जैसे कि सेकंड वाली कॉइल में जो हमने डाली थी अब ये सेकंड सेट डबल ये 3 कॉइल का है और जो रहेगा अब तीसरा सेट जो हम इसमें डालेंगे तो वो 2 कॉइल्स का रहेगा। यानी कि इसमें स्लॉट ही पूरी गिर जाएंगे और कॉइल्स ये इसमें डबल नहीं होगी। तो कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर ये कॉइल। मैंने इसके बीच में अस्तर पेपर लगाया है। अस्तर पेपर लगाने के बाद इसमें बंद बांध दिया है। ये साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है हमें इसमें कनेक्शन करना होंगे। तो दोस्तों कनेक्शन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हमें रनिंग के कनेक्शन अलग करना होंगे और स्टार्टिंग के कनेक्शन अलग करने होंगे। जैसे कि उधर दूसरी साइड में मैंने बंद बांधा है अस्तर लगा करके, ऐसे ही हमें अस्तर इस साइड में लगाना होगा। अस्तर में आपको कैसे लगाना है इस साइड में, तो इसमें ग्लास पेपर लेना होगा, ऐसा नोमैक्स सॉरी मीडियम वाली सीट लेनी होगी। तो मीडियम सीट और ग्लास पेपर दोनों की एक जगह करके इनको लेयर बन जाएगी मस्त एकदम। तो इन दोनों को मैं लगा दूंगा, ग्लास पेपर को और नोमैक्स पेपर को, रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में। एक भी वायर रनिंग का उधर नहीं जाना, स्टार्टिंग के उसमें नहीं मिक्स होना चाहिए और स्टार्टिंग वाला रनिंग वाले में मिक्स नहीं होना चाहिए, तो लॉन्ग टाइम चलेगी। तो यहाँ पर एक सेट सेलेक्ट कर लिया है। इसकी छोटी कॉइल मेरे राइट साइड में है और लेफ्ट वायर में बड़े वाली कॉइल का सिरा है। तो एक सेट इसको मान लिया है मैंने। तो सेट नंबर 1 आप मेरे कनेक्शन साइड में और ये जो मेरे लेफ्ट हैंड में दूसरा वाला सेट ये 4 नंबर मानना होगा। तो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हमें कनेक्शन बढ़ाने होंगे। एक नंबर से चलेंगे 2, 3 और चौथे नंबर पर आउटर वायर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं जो है पहले वाले सेट की बड़ी वाली कॉइल के सिरों को यानी कि दूसरे वाले सेट यानी कि सेकंड वाले सेट की बड़ी वाली कॉइल के सिरे से मिला दूंगा और यहाँ पर जो दूसरा सेट की छोटी वाली कॉइल रहे बचेगी वो तीसरे सेट की छोटी वाली कॉइल से मिला दूंगा और जो तीसरे सेट की बड़ी वाली कॉइल रहेगी उसे चौथे सेट की छोटी वाली कॉइल से मैं इसको मिला दूंगा। यहाँ पर कनेक्ट होने के बाद कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। ग्लास की स्लिप लगा लेंगे। ग्लास की स्लिप लगाने के बाद इनके थोड़ा सा इंसुलेशन को अच्छे से इसके साफ कर लेंगे यानी कि सभी वायर के इंसुलेशन को यहाँ पर इस वायर को कट कर लेंगे एक्स्ट्रा को। ऐसे ही हमें सारे 6 के 6 करने होंगे। अब इन्हें कनेक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो कनेक्शन करने से पहले इनमें हमें एक जम्पर के लिए स्लिप डालनी होगी बड़े साइज़ की। तो मैंने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया है और जम्पर के लिए बड़े साइज़ की स्लिप डाल दी है। अब ये छोटी से छोटी वाली कॉइल यानी कि तीसरे सेट की दूसरे सेट से छोटी वाली कॉइल्स को हमें यहाँ मिलाना होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं किस तरीके से इसको मिला रहा हूँ और ऐसे ही आपको काफ़ी अच्छे से करके मिला देना है। तो यहाँ पर गिलास की स्लिप का जो टुकड़ा इससे मैंने डाला था बड़े साइज़ का वो इस पर चढ़ा दिया है। अब ऐसे ही हमें जो है तीसरे सेट की चौथी वाली कॉइल चौथे सेट की बड़ी से बड़ी कॉइल को मिलाना होगा। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुके हैं यानी कि इसका इनर और आउटर वायर बचा है यानी कि सेट 1 और सेट 4 के बीच। तो दोस्तों यहाँ पर अब स्टार्टिंग को उठा लेते हैं। तो स्टार्टिंग में भी सेम प्रोसेस वही करना होगा यानी कि छोटी वाली कॉइल यानी कि एक सेट की और चौथे सेट की छोटी छोटी कॉइल के सिरों को मैं एक साइड कर लेता हूँ क्योंकि छोटी कॉइल का पहले सेट का इनर वायर होगा और जो चौथा सेट का होगा आउटर वायर होगा। तो सेम प्रोसेस वही होगा जो मैंने रनिंग में किया है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना होगा। तो अब इसमें वायर्स हमें निकालना होंगे। तो मैं रनिंग में जो है 6 mm की वायर निकाल रहा हूँ यानी कि ब्लैक कलर की है क्योंकि लॉड काफ़ी होता है इसका, एम्पियर अच्छे खासे होते हैं। मैं इसको एम्पियर भी चेक करके दिखाऊंगा आपको। और जो येलो कलर की वायर है ये स्टार्टिंग में निकालूंगा और ये 2.5 mm। दोस्तों इसमें 2.5 mm और 6 mm में काफ़ी डिफरेंट आ जाता है।
तो यहाँ पर वायर कैसे कनेक्ट करनी है, यानी कि मैं फोर्थ वाली वायर पहले निकाल रहा हूँ और फर्स्ट वाली मैं बाद में निकालूँगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसके इंसुलेशन को साफ़ किया था और इस तरीके से यहाँ पर मैं इसमें इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो ये जो है ना, बीच में आपको ऐसे ही क्रेन टाइप का इसको बना देना है दोस्तों। ये जो है बहुत मतलब लॉन्ग टाइम चलेगा और बेहतरीन जॉइंट रहेगा दोस्तों। ये जो है ना कभी लूजिंग नहीं पकड़ेगा, ये न्यू ट्रिक मैंने खुद यूज़ की है तो बेहतरीन मुझे लगी, तो इसलिए मैं सोचा आपको भी बता दूं। यहाँ पर ग्लास की स्लिप इस पर चढ़ानी होगी। ग्लास की स्लिप इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि ये जॉइंट हीट होते हैं ज़्यादा, ग्लास की स्लिप से ये वायर पर ज़्यादा हीट अपनी नहीं पहुँचा पाते। तो ये कंप्लीट हो चुका है और ऐसे ही हमें स्टार्टिंग में ये 2.5 mm की वायर को हम इसमें निकालना होगा। तो ये कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि इसका इनर और आउटर वायर, यानी कि सेट का पहले सेट का और चौथे सेट की जो वायर हमने इसकी बाहर निकाल दी है। तो इसमें चार वायर हमारी कंप्लीट बाहर आ चुकी हैं। अब इसमें हमें बंद बांधना होगा, तो बंद हर एक स्लॉट में हमें निकाल करके बांधना होगा। तो पहले हम इसमें लगा लेते हैं एक, जिसे खुट्टा गांड बोल देते हैं। तो दोस्तों इसमें ये जो है ना, मैं इसमें लगा देता हूँ और इसको डबल करके इसमें काफ़ी मज़बूत करके हमें लगानी होगी। जितना खींचेंगे इतना मज़बूत हो जाती है ये वायर। तो इसमें जो है हमें, तो दोस्तों बंद को बहुत ज़्यादा टाइट करने के लिए हमें इसमें रबड़ का हैमर यूज़ करना होगा। तो बीच बीच में मैं रबड़ का हैमर यूज़ करते रहूँगा और इसको हल्का हल्का सा रबड़ का हैमर यूज़ करते करते ये देख पा रहा हूँ काफ़ी अच्छी फिनिशिंग इससे आ जाती है और ये जो है कॉयल्स बहुत ज़्यादा सेट हो जाती हैं, इतनी हार्ड हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, जिससे एक बंद की जो है ताकत दुगनी हो जाती है। तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है इसकी वाइंडिंग। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इसकी हर एक स्लॉट को यहाँ पर हमें इसको ठोकना होगा, इनकी इस पत्ती की मदद से इस हर एक स्लॉट के जो पेपर इसमें लगने वाला है, इस पेपर को हमें इसमें दबा देना है। तो इसका जो है वार्निश करके कंप्लीट कर दें। अब इसका डाटा का नोट कर लेते हैं। तो 3 HP सिंगल फेस इंडक्शन मोटर रनिंग डाटा, तो अब इसको स्क्रीनशॉट कर ले और स्टार्टिंग कॉल्स डाटा, तो इसमें आप स्क्रीनशॉट कर ले क्योंकि इसमें जो वायर गेज वगैरह मैंने टोटल ही इसमें लिख दिया है और आप इसका जो है अच्छे से स्क्रीनशॉट कर ले और इसमें डाटा यूज कर सकते हैं। तो अब इसकी जो है फिटिंग हमें करनी होगी। तो फिटिंग करने से पहले इसके क्लच को हम इसमें चेंज कर लेते हैं। क्लच काफ़ी हद तक ख़राब था तो क्लच चेंज करने से इसकी पत्ती वगैरह आप देख लेते हैं, काफ़ी हैवी इसमें क्लच हमें यूज़ करना पड़ता है। लोकल क्लच आप इसमें यूज़ ना करें। तो चलिए इस पुराने क्लच को मैं हटा देता हूँ एक साइड और से नया क्लच इसके साथ मैंने कनेक्ट कर लिया है। तो क्लच की वायर आप जैसे कि सिंपल सा फंडा है जैसे क्लच आपको यूज़ करते हैं, तो इसमें क्लच की दो वायर निकल जाती हैं, एक इनर एक आउटर। इसमें गवर्नर को हमें चेक करना होगा कि सही वर्क कर रहा है कि नहीं। तो अब इसमें इसकी फिटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें रोटर को मैं डाल देता हूँ इसके स्टेटर के बीच में और इसकी फिटिंग कर लेते हैं। तो जैसे कि देख पा रहे हैं आप कि यह है एक साइड इसका डल चुका है और दूसरी साइड में इसको हम पहले क्लच वाली वायर हमें इसमें बाहर निकालनी होगी। क्लच की वायर ये ब्लैक कलर की, थोड़ा सा इसमें हमें ध्यान रखना होगा। तो रॉड डालनी होगी इसमें स्टड वाली और स्टड के इसमें डाल करके इसको हमें फिटिंग करनी होगी। मोटर को स्मूथ घूमता हुआ हमें देखना होगा तभी इसकी फिटिंग कंप्लीट हो पाएगी। तो मोटर काफ़ी स्मूथ चल रही है और अब इसकी फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब वायर्स हमें इसमें कनेक्शन करने होंगे। तो दोस्तों इसमें कनेक्शन करने से पहले इसमें कैपेसिटर आपको बताया तो दो कैपेसिटर यूज़ करने होंगे, एक 300 और 300 UF का और एक 45 UF का। तो रनिंग वाला कैपेसिटर 45 UF का होगा और स्टार्टिंग वाला जो है कि मैं आपसे बता चुका हूँ। तो दोस्तों मैंने दो मोटर रिवाइंडिंग की है, तो इसमें 6 mm की वायर रेड वाली है और जो 2.5 mm की वायर है वो ब्लू वाली है। तो इसमें रनिंग से स्टार्टिंग चेक करते हैं पहले। तो रनिंग से स्टार्टिंग बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं दिखा रहा है और यहाँ पर इसके क्लच को हम चेक कर लेते हैं, क्लच भी एकदम से बढ़िया वर्क कर रहा है। तो इसमें एक रनिंग और एक स्टार्टिंग यानी कि रेड और एक ब्लू कलर की वायर एक जगह कनेक्ट करके छोड़ देंगे, ये बन जाएगा इसका न्यूट्रल। अब ये दो क्लच की वायर है और
ये दो कैपेसिटर हैं, एक रनिंग का है एक और एक स्टार्टिंग का कैपेसिटर है। तो यहाँ पर एक मैं स्टार्टिंग और रनिंग के कैपेसिटर की एक एक वायर एक जगह कनेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर जो रेड वाली वायर 6 mm की यानी कि जो रनिंग की वायर है उसको इसके साथ मैं कनेक्ट कर दूँगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग और प्लस क्लच में दोनों वायर को एक जगह कनेक्ट कर दूँगा एक एक करके। तो अब इसमें बचा है हमारे कैपेसिटर की दो वायर, यानी कि जो स्टार्टिंग वाला कैपेसिटर है वो मैंने क्लच वाली के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब बचा रनिंग वाला कैपेसिटर, तो रनिंग वाला कैपेसिटर हमें जो हमने यानी कि स्टार्टिंग और क्लच की वायर के साथ में कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर एक कनेक्शन इसके कंप्लीट हो चुका। तो कनेक्शन इसके कंप्लीट होने के बाद इसके 220 वोल्ट AC में इसमें चेक कर लेते हैं जिससे हमें इसको चलाना होगा। तो अब इसमें जो है हमें वायर जोड़नी होगी, तो एक न्यूट्रल वाली के साथ वायर जोड़ देंगे और इसमें क्लैमीटर के बीच में कुछ को निकाल लेंगे ताकि इसके एम्पेयर हम चेक कर पाएँ। अब जो है दूसरी वाली वायर को रनिंग और प्लस कैपेसिटर वाली वायर के साथ में कनेक्ट कर देना है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब इसमें जो है हमें स्पार्किंग करके चलाना होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके एम्पेयर हमें चेक करने होंगे, तो एम्पेयर 7 से 8 यानी कि 7, 7.5, 7.9, 7.7 इस तरीके से उसके एम्पेयर आ रहे हैं। तो इसमें दोनों कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं, तो मैं इसमें से फिलहाल स्टार्टिंग वाला कैपेसिटर हटा देता हूँ, सॉरी रनिंग वाला कैपेसिटर हटा रहा हूँ। अब इसको चेक करके देखते हैं। तो रनिंग वाले कैपेसिटर चेक करने के बाद क्या रहा है, इसमें 14 एम्पेयर यानी कि ठीक दोगुने एम्पेयर हो चुके हैं। तो दोस्तों इसके मोटर के एम्पेयर घटाने के लिए हमें रहे स्टार्टिंग।